हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं ड्रग एक्सपर्ट ऋषभ नागर, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काश अमृत सिरप, जो कि जानकारी पूरी ही इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि हर्बल कफ सिरप है। इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में देने वाले हैं आपको, कैसे काम करेगी, कितनी इसकी डोजेज होंगी, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, किस किस काम में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपके और आपके फ्रेंड्स लोग की हेल्प हो जाए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपनी की। इसकी कंपनी जो वैद्यनाथ है, जो कि असली आयुर्वेदिक कंपनी है, जो कि झांसी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां से बनकर आती है। अब बात करते हैं इसके यूज की, इसके क्या क्या यूज होंगे, किस किस चीज में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम इसको कैसी भी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, मलगम वाली या सूखी खांसी हो, धसके टाइप में जो होती है, हम उसमें दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ गले के इन्फेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, इंग्रेडिएंट की मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगा तुलसी, इसमें मिल जाएगा आपको मुलेठी, इसमें मिल जाएगा अडूसा, इसमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ सोमलता इसमें मिल जाएगा, जो कि ये हर्ब्स होती है, आयुर्वेदिक देसी हर्ब्स के साथ में बना हुआ है। तुलसी जो होती है दोस्तों, तुलसी हमारे कफ को पतला करती है, उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। दूसरा इसका यूज होता है मुलेठी। मुलेठी जो है हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे गले में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें हम आवाज को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें होता है अडूसा, जो कि अडूसा जो होता है पुराने से पुराने कफ को निकालने में हमारी हेल्प करता है। और साथ ही जो हमारी सांस की नली होती है, जिसमें हम एक्सहेल इनहेल करते हैं, उसको थोड़ा फैलाने में मदद करता है, जिससे कि कोल्ड हो जाता है या कफ हो जाती है, उसमें हम आराम से इजीली सांस ले सकते हैं। ये इसके यूज से साइड इफेक्ट की इसकी बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट इसका मेनली कोई आता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक चीजों का साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम आता है। इसकी पैकिंग दिखाता हूं मैं आपको, पैकिंग इस तरह से आपकी मिलेगी। इसमें देखिए आपको ये 200 ml का इसमें सिरप निकलेगा, जो कि इसकी डोजेज जो होगी, अगर बहुत ही ज्यादा कफ है तो 10-10 ml पानी, गर्म पानी के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार, और छोटे बच्चे को 5 ml आप इसको दे सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्केट में आपको ये 180 rupees में अवेलेबल मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कहीं नहीं मिलती है तो आप हमारे कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं, हम भी आप इसको अरेंज करा देंगे। तो ये थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया काश अमृत की वीडियो, पूरी ही जानकारी वीडियो में। जो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।